इतना पैसा देने के बावजूद भी इस फोन में हीटिंग इश्यूज है और उसकी वजह से समटाइम्स चार्जिंग स्पीड बहुत कम हो जाती है। हे गाइस, आज हम बात करेंगे इस S22 अल्ट्रा की, अगर आप पंजाबी हो तो S22 अल्ट्रा की, कि आपको इस फोन को 2023 में बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसकी खास बातें हैं, क्या इसकी बुरी बातें, सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट सबसे पहले बात की जाए क्या इस फोन को 2023 में लेना वर्थ इट है, तो ऑफकोर्स इस सवाल का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी मेरा नाम जय कुमार स्वामी, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आगे, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लेना वीडियो को। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की सबसे अच्छी बातें क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे बुरी बातें इस फ़ोन की क्या है। सबसे पहले मैं इस फोन को साइलेंट पे कर लेता हूँ। इस फोन के अगर प्रोस की बात करूँ तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक कैमरा, परफॉर्मेंस, प्राइस एंड वन यूआई। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। कैमरा इस फोन का माइंड ब्लोइंग है, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, इंडस्ट्री का बेस्ट कैमरा फोन है ये, चाहे S23 अल्ट्रा ही क्यों ना आ चुका हो। स्क्रीन पे जितने भी फोटोज आप देख रहे हो इस फोन से ही लिए गए हैं, चाहे फिर पोर्ट्रेट हो, वाइड एंगल हो, नॉर्मल हो, 108 मेगापिक्सल का कैमरा हो या फिर नाइटोग्राफी हो, सभी के सभी फोटोज इस फोन से बहुत ही ज्यादा ऑसम निकल के आते हैं। जो आउटपुट आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इवन कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इस फोन का कैमरा बहुत बुरा है। जहां भी मैं जाता हूँ सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई तेरे फोन से फोटो खींच बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एक बात करें 108 मेगापिक्सल के कैमरे की, तो वो मैंने बहुत ही रेयरली यूज किया है और मुझे नहीं लगता कि आप में से 90% लोग 108 मेगापिक्सल का कैमरा या फिर 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो S23 अल्ट्रा में वो यूज करेंगे, तो उसकी बात ना ही की जाए तो बेटर है। बाकी हाँ, वो भी काम अच्छा करता है, जो क्लियरिटी है, जो डिटेल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है 108 मेगापिक्सल के कैमरे में। अब हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, कि इसकी वीडियो के कलर्स कैसे हैं, एक्यूरेसी कैसी है, फ्रेम कितना ये कवर करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो जितनी भी हैं वो आप देख लीजिएगा। मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लॉन्ग वीडियोस देखो, ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से कि इस फोन के कैमरे की वीडियो कैसी आती है। सभी की सभी वीडियोज़ मैंने इसी फ़ोन से शूट की है, ये मेरे अभी हाथ में, इसलिए मैं अभी आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी फोन से रिकॉर्ड की कलर्स, एक्यूरेसी आप सब कुछ देख सकते हो, कितना फ्रेम रिकॉर्ड करता है, क्लियरिटी कैसी आती है, आप वीडियोस वहाँ पर देख सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर दिखानी चाहिए, आप वहाँ पर जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 दिया हुआ है, हालांकि अब 8 Gen 2 भी आ गया, लेकिन ये 1 साल पहले हुआ था रिलीज, तो ऑफकोर्स 8 Gen 1 वहाँ तक लेटेस्ट था। उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कभी भी मेरे हिसाब से ये लैग नहीं हुआ है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हूँ, तो मैं कभी कभी इस फ़ोन को हैंग कर देता हूँ, बहुत रेयर केसेस में, ऐसा नहीं कि हर बार ये फ़ोन हैंग होता है, बहुत कम केसेस में ये फ़ोन हैंग हुआ है मेरे साथ। लेकिन 12 GB की रैम भी इसमें है, तो वो हमें इग्नोर नहीं कर सकते। रैम और प्रोसेसर मिलकर दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस इस फ़ोन की अभी के टाइम पर आपको मिल जाएगी 70 से 80 हज़ार के बीच। इससे ऊपर ये फोन को लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। मैंने खुद ये फोन सितंबर 2022 में इसे बाय किया था, और तब मुझे इसकी प्राइस पड़ी थी 77,000 रुपीज़। अगर मैं अब बात करूं, तब सेल थी, अब सेल नहीं है, तब भी इसका प्राइस आपको 70 से 80 हज़ार के बीच मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप इस फोन को बाय मत कीजिएगा, और मैं यही बोलूंगा कि आप सेकंड हैंड बाय करो, तो सेकंड हैंड आपको ये फोन मिल जाएगा 50 से 60 हज़ार के बीच। तो आप सेकंड हैंड जाएं तो 50 से 60 हज़ार से ऊपर इस फोन का मत देना। नेक्स्ट आता है वन यूआई में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको इसमें नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है। नॉक्स की सिक्योरिटी आपको नहीं पता क्या होता है, तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो कि आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही कस्टमाइजेशन इस फोन में बहुत ज्यादा मिलते हैं, आप एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज, लाइक आप इसके कलर्स कस्टमाइज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, आप क्लॉक कस्टमाइज कर सकते हो, क्लॉक के फॉन्ट्स, क्लॉक की साइज, वॉलपेपर, फॉन्ट्स, आइकन, आइकन कलर, आइकन साइज, ऐप ड्रॉवर, एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज इन दिस फोन। इस फोन में कस्टमाइजेशन भर भर के दिए हुए हैं, तो आप अगर एक क्रिएटिव बंदे हो तो वन यू आई इज बेस्ट फॉर यू। बस इस फोन में एक बात बहुत बुरी है, वो है ऐप लॉक इस फोन में नहीं मिलता है। अब आती है बात इसके कॉन्स की, इसमें क्या क्या बुरी बात है। सबसे पहली बात, इसमें 8 Gen 1 दिया हुआ है, जो स्पेशली गैलेक्सी के लिए नहीं बनाया गया था, लाइक 8 Gen 2 जो S23 अल्ट्रा में वो स्पेशली गैलेक्सी के लिए बनाया गया, लेकिन 8 Gen 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि 8 Gen 1 में हीटिंग इश्यूज हैं, तो इस फोन में हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। लाइक मैं रहता हूँ राजस्थान में, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और बाहर भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो गर्मी में ये फोन ज्यादा हीट होता है। आप बहुत ज्यादा हैवी यूज कर लेते हो तो ये फोन गर्म होता है। मैं बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज
मैं बहुत ज्यादा हैवी यूजर हूँ, लाइक मैं गेम्स भी खेलूंगा, कभी कभी मैं मल्टीटास्किंग कर लूंगा इस फोन में, तो उसको लेकर ये कभी कभी हीट हो जाता है, तो उसके लिए मुझे इसको रखना पड़ता है कुछ देर तक ताकि ठंडा हो जाए। और अगर आप फोन की हीटिंग कंडीशन में इसको चार्ज से लगाओगे तो ये बहुत धीरे चार्ज होता है। चार्जिंग की अगर बात करूँ तो ये फोन 45 वॉट तक सपोर्ट करता है चार्जिंग, बट मेरे पास 25 वॉट का चार्जर है। चार्जिंग स्पीड इसकी 25 वॉट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं हुआ कभी कि यार बस स्लो चार्ज हो रहा है, नहीं स्पीड काफी ज्यादा इनफ है इसकी 25 वॉट के हिसाब से। बट एक टिप यहाँ पे मैं आपको दूंगा कि आप सैमसंग का ऑफिशियल चार्जर ही यूज करो, आप कोई भी अदर कंपनी का चार्जर यूज करोगे तो वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, आपको वो चार्जिंग स्पीड नहीं मिल पाएगी। बाकी अगर आप एसी में रहते हो, आपके पास एसी है, आपका जो मोस्ट ऑफ काम है ऑफिस में एसी में ठंडक में रहते हो, तो ये फोन एक नंबर है, हीटिंग इशू आपको इसमें नहीं आएगा। बाकी गर्मी है, पंखा है, तो कभी कभी आपको हीटिंग इशूज इसमें आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूँ तो ये है कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं ये बहुत समटाइम्स चुभते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जब आप फ़ोन को ऐसे देखते हो, हम मैं जब वीडियो देखता हूँ ऐसे, तो ये जो कॉर्नर है ये मुझे चुभते हैं यहाँ पे, और कभी कभी जब हम फ़ोन को ऐसे पकड़ते हैं तो ये चुभता है यहाँ पे। देखो मैं ऐसे पकड़ूंगा नॉर्मली तो ये यहाँ पे चुभते हैं, वो कभी कभी इरीटेटिंग लगता है कि यार ये थोड़ा अजीब है, बट वो इतना इरीटेटिंग नहीं है। हम धीरे धीरे इसको यूज करते रहो, उसको हाथ को हमारे शरीर को उसकी हैबिट हो जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये रियल लाइफ रिव्यू है, मैं किसी यूट्यूब वगैरह नहीं बताऊँ कि इसमें ये कैमरा है ये वो है, ऐसा नहीं कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ बताया मैंने कि हाँ ये इशूज मुझे आते हैं तो आपको भी आ सकते हैं। बाकी ये मैंने यहाँ पे कैमराज है, इन पर मैंने कैमरा प्रोटेक्टर लगा रखा है, मुझे मार्केट में 150 रुपये के मिल गए थे, 500 के 500 लगा रखा है ताकि कैमरा के लेंस पे कोई भी क्रैच ना आए। आप भी लगा सकते हो, मैं इसको कवर लगा रहता हूँ, अभी वीडियो है तो इसलिए कवर उतार रखा है। बाकी आज वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं इस बनाऊंगा कि iPhone 13 इन 2023, तो उसे भी जरूर देखिएगा। आप मिलते हैं नई वीडियो में, टिल द टाइम बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।